नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। सीटेट परीक्षा 2022 के छात्रों के लिए काफी बड़ी अपडेट आ रही है। आवेदन अब शुरू होने जा रहा है। सीबीएसई ने अभी एक काफी बड़ी अपडेट जारी कर दी है। आज का वीडियो सीटेट 2022 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आगे भी सीटेट परीक्षा से रिलेटेड अपडेट आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुँचाए जाते रहे। तो दोस्तों, काफ़ी बड़ी अपडेट सीबीएसई ने जारी कर दी है। सीटेट 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म अब शुरू होने जा रहे हैं। सीबीएसई सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन पर एक लेटेस्ट नोटिस सीबीएसई की तरफ से आ चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है 15 सितंबर से आप सभी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने जा रहे हैं और सीटेट के जितने भी छात्र हैं एग्ज़ाम फिर से आगे बढ़ने जा रहा है। आपको बता दें, 15 नवंबर से जो एग्ज़ाम होने वाला था, 5 जुलाई से जो एग्ज़ाम होने वाला था वो जो है आपका पोस्टपोन हुआ था, अब 15 नवंबर को होने वाला था, लेकिन अब फिर से एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाई जा रही है। अब एग्जाम 5 दिसंबर से शुरू होगा। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार नोटिफिकेशन आप सभी का अगस्त में ही जारी होना था, लेकिन टेक्निकल इश्यूज के चलते अब नोटिफिकेशन आपका 15 सितंबर से जारी किया जाएगा। काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है सीटेट 2022 के छात्रों के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे आप सभी का एग्ज़ाम जो है आप सभी का 5 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और सीटेट 2022 का ऑनलाइन प्रोसेस जो नोटिफिकेशन है अब ये 15 सितंबर 2022 से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक रहेगा, जिसमें छात्र हमारे अप्लाई कर पाएंगे और इस बार छात्रों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। 2 से 3 सालों का छात्रों का एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ सीटेट 2022 में इस बार जो कट ऑफ है वो भी दोस्तों घटाने की यहाँ पे अपडेट आ रही है। कट ऑफ आपका 60% था जनरल वालों का, जो भी अब इस बार घट के जो है 55% रहने की जो है उम्मीद की जा रही है। वहीं आपको बता दें, सीटेट 2022 का एग्ज़ाम इस बार भी पूरी तरीके से जो है ऑनलाइन माध्यम में रखा जाएगा और सभी छात्र जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम करीबन 15 से 20 दिन ऑनलाइन चलेगा और इस बार जो रिजल्ट है उसको भी नॉर्मलाइजेशन की पद्धति के अनुसार जो है तैयार किया जाएगा। सीटेट 2022